जोमैटो का स्टॉक क्यों है अपन सिक्सटी परसेंट इन द लास्ट वन ईयर इस चीज का डिस्कशन हम आज करने वाले हैं आज ही थोड़ी देर पहले जोमैटो का रिजल्ट फॉर क्यू थ्री ऑफ एफ आई ट्वेंटी फोर अनाउंस कर दिया गया था बहुत टाइम से ये एक ट्रेंडिंग स्टॉक है एंड द मेजर रीजन फॉर इट वाज कि कंपनी ने हमेशा पिछले एक साल से या पिछले डेढ़ साल से ये क्लेम किया है कि दे आर गोइंग टू सून बिकम प्रॉफिटेबल नाउ दिस इज द थर्ड क्वार्टर इन विच द कंपनी इज प्रॉफिटेबल ऑन अ पैड बेसिस एडजस्टेड एबिड्डा भी जो है कंपनी का वो भी कॉन्स्टेंटली इंप्रूव होता जा रहा है तो यहाँ पर इस वीडियो में हम छोटा सा एनालिसिस करेंगे कि क्या थे कुछ पेक्यूलर थिंग्स अबाउट द क्यू थ्री एंड क्यों इसका फर्क स्टॉक मार्केट जो स्टॉक प्राइस है जोमैटो का उस पर भी क्यों पॉजिटिवली चीज़, इन चीजों का फर्क पड़ रहा है ये सारी चीजों की बात हम स्टूडियो में करेंगे तो सबसे पहले Q3 के नंबर्स पर हम आते हैं कंसोलिडेटेड नंबर्स अगर हम देखें तो अगेन समथिंग विच इज़ कंटिन्यूसली इंप्रूविंग सिंस द लास्ट टू और थ्री क्वार्टर्स तो वो चीज़ यहां पर कंटिन्यू होती हुई दिखी uh, जो फूड डिलीवरी बिजनेस है उसमें कंपनी का एडजस्टेड रेवेन्यू जो था फॉर दिस क्वार्टर दैट हैज नाउ क्रॉस्ट टू थाउजेंड रुपीज टू थाउजेंड करोड़ रुपीज़ इसमें ट्वेंटी नाइन परसेंट की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखी गई है जबकि हाइपर प्योर में 104 परसेंट की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ क्यू ऑन क्यू ग्रोथ तो एनी वे काफ़ी अच्छी है ही बट ईयर ऑन ईयर ग्रोथ पे हमें नज़र आता है कि इनफैक्ट एक साल में इनके जो बिजनेसेस है उस पर कितना फर्क पड़ा है हालांकि हाइपर प्योर एंड क्विक कॉमर्स जैसे बिजनेसेस है यहाँ पर एक लो बेस इफेक्ट भी है बिकॉज ये जो सारे बिजनेसेज थे ये काफ़ी नेसेंट स्टेज पर थे लास्ट ईयर एंड ऑब्वियसली दे आर ग्रोइंग एट अ वेरी फास्ट पेस नाउ क्विक कॉमर्स बिजनेस की जहाँ तक बात आती है क्विक कॉमर्स में कंपनी uh, का ब्लिंकेट का बिजनेस आता है तो इस बिजनेस में 114% परसेंट की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखी गई एंड देर आर सम अदर सेगमेंट्स लाइक गोइंग आउट जो बेसिकली इवेंट मैनेजमेंट इवेंट रिलेटेड जो uh, सारी चीज़ें हैं जोमेटो की वो उस सेगमेंट uh, से आती है बट uh, ओवरऑल अगर हम देखें तो एडजस्टेड रेवेन्यूज जो है कंपनी के वो थ्री थाउजेंड सिक्स हंड्रेड रुपीज रहे विच हैव ग्रोन बाई फिफ्टी थ्री परसेंट सो द ग्रोथ कंटिन्यूज टू रिमेन क्वाइट गुड अक्रॉस ऑल द सेगमेंट्स ऑफ द कंपनी वेदर इट इज क्विक कॉमर्स और वेदर इट इज फूड डिलीवरी तो ये थे सारे कंसल्टेड नंबर्स अब कुछ स्पेसिफिक uh, चीज़ों की बात हम आगे करेंगे तो अगर हम सबसे पहले आए इस पर कि कंपनी का जो एडजस्टेड एबड्डा है वो किस तरह से ग्रो हुआ है तो एडजस्टेड इबिडा में हम हमेशा uh, सबसे पहली बात तो है कि एडजस्टेड वर्ड से ही हमें यह समझने समझना चाहिए कि इसमें क्या इंक्लूडेड है क्या नहीं है यह सारी चीजें जोमैटो के केस में आपको समझनी समझने की जरूरत पड़ती सो बेसिकली इन शॉर्ट में अगर आपको समझाऊं तो एडजस्टेड एबिडा में कंपनी क्या करता है एक नॉर्मल जो एबिडा किसी भी कंपनी का होता है उसमें वो जो e के जो 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 है यानी कंपनी जो स्टॉक ऑप्शन प्लान दे रही है उनके एम्प्लॉज को तो उसका एक अकाउंटिंग लॉस आपको अकाउंटिंग एक्सपेंस आपको बुक करना होता है तो वो कंपनी एडजस्टेड एबिडा में इंक्लूड नहीं करती एंड जो रेंट जो भी चीज़ें होंगी कंपनी का ब्लिंकेट में जो डार्क स्टोर होगा उसके लिए या फिर जो भी जो भी फैसिलिटीज कंपनी के रेंट में है तो वो सारी चीज़ें एबिड्डा में से माइनस करती है बिकॉज uh, होता यह है कि एबिडा जो uh, एज पर दी न्यू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो तीन चार साल पहले आया था तो उस हिसाब से आपको जो इंटरेस्ट जो रेंट कॉस्ट है वो आपको एज एन इंटरेस्ट दिखाना पड़ता है विच इज आफ्टर एबिड्डा लेकिन कंपनी यहाँ पर रेंट इसी में से माइनस करके जो ये एडजस्टेड एबिड्डा का नंबर है वो रिप्रेजेंट करा रही है सो यू विल सी हीयर की जो फूड डिलीवरी बिजनेस है उसका एडजस्टेड एबिडा कंटिन्यूसली इंप्रूव होता हुआ नजर आ रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये चेंज हुआ है बाय फोर्टी एट परसेंट सो दैट्स अ वेरी गुड ग्रोथ फॉर द कंपनी हाइपर प्योर में हालांकि दिस इज कॉन्स्टेंट पिछले क्वार्टर में भी थर्टी फोर लॉस काबिडा लॉस था यहां पे दैट हैज रिमेंड एट 34 फोर करोर्स इनस्पाइट ऑफ हायर रेवेन्यू सो थोड़ा सा मार्जिन इंप्रूवमेंट हुआ बट इट स्टिल कंटिन्यूज टू बी नेगेटिव क्विक कॉमर्स इज अगेन इंप्रूविंग बट इट इज स्टिल नॉट पॉजिटिव एडजस्टेड इबिड्डा ब्लिंकिट के लिए कंपनी का प्रॉफिटेबल होगा ऐसा कंपनी का जो टारगेट है दैट इज़ फॉर क्यू वन ऑफ एफ आई ट्वेंटी फाइव तो दो क्वार्टर्स अभी तक कंपनी का यह मानना है कि क्यू वन ऑफ एफ आई ट्वेंटी फाइव में कंपनी का ये जो सेगमेंट है ब्लिकेड का सेगमेंट दैट विल बी एडजस्टेड एबेडा पॉजिटिव सो ओवरऑल क्यू थ्री में टोटल सारे सेगमेंट्स को अगर हम मिलाए तो वन ट्वेंटी फाइव क्रोर्स का एडजस्टेड एबेडा कंपनी का इस क्वार्टर में रहा था जो पिछले क्वार्टर में फोर्टी वन क्रोर्स का सो नाउ यू विल सी अ पीरियड जहां पर ये जो एडजस्टेड एबेडाज है दे विल जनरली ग्रो अनलेस देर इज एन इंडस्ट्री वाइड प्रॉब्लम दैट है इन द फूड डिलीवरी बिजनेस सो so, ये सारी चीजें मेनली इनके प्रॉफिटेबिलिटी एस्पेक्ट्स पर आती है अगर हम एडजस्ट फूड डिलीवरी बिजनेस इन स्पेसिफिक देखें कि इसमें क्या ऐसा चेंज हो रहा है सो नाउ यू विल सी इन दिस टेबल कि सबसे पहले सबसे पहले सबसे सबसे पहला जो रो है इसमें दैट इज ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू तो जियो वी इज बेसिकली अगर मैं कोई भी चीज चार सौ रुपए की फॉर एक्जाम्पल मैं कोई ऑर्डर करता हूँ फ्रॉम रेस्टोरेंट तो द प्राइस दैट आई हैव पेड इज द ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू एडजस्टेड रेवेन्यू इज बेसिकली द कमीशन दैट जोमैटो मेक्स ऑन इट प्लस द डिलीवरी चार्जेस जो वो चार्ज करते हैं हालांकि डिलीवरी चार्जेस इज नॉट द इनकम ऑफ जोमैटो दे जस्ट ट्रांसफर द डिलीवरी चार्जेस

टेबल से देख सकते हो जैसे 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 कंपनी का रेवेन्यू बढ़ रहा है जैसे जैसे ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू बढ़ रहा है यू विल सी कि एडजस्टेड एबिडा एज अ परसेंटेज ऑफ जीओवी दैट इज इंक्रीजिंग नाउ इट इज थ्री परसेंट जबकि क्यू थ्री ऑफ एफ ट्वेंटी थ्री में दिस वॉज जस्ट जीरो पॉइंट थ्री परसेंट तो

लेकिन अगेन यू विल सी कि परसेंटेज परसेंटेज एंड एडजस्टेड जो है दोनों चीजें होती हुई नजर आ रही है लाइक uh, like में दैट दैट वाज डबल डिजिट लॉस का ये रेट था नाउ मोर इंप्रूवमेंट इन दीज पैरामीटर्स एज वेल नाउ वन मोर इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन अगर हम देखें इनका ऑपरेटिंग मेट्रिक्स अगर हम देखें तो जो कंपनी ने बताया कि कितने ऑर्डर्स थे कितने एवरेज ऑर्डर वैल्यू कितनी थी अभी नंबर ऑफ ऑर्डर्स तो 45.5 मिलियन से 55.8 मिलियन एक क्वार्टर में तो हो ही गया uh, है विच इज़ अ क्वाइट बिग जंप ऑलमोस्ट वन फोर्थ से ज़्यादा इंक्रीज़ यानी 25 परसेंट का नंबर ऑफ ऑर्डर्स का ही इंक्रीज़ एक क्वार्टर में कंपनी के ब्लिंकड बिजनेस में देखा गया है एवरेज ऑर्डर वैल्यू भी इंक्रीज़ हुई है मंथली ट्रांजैक्टिंग कस्टमर्स जो है वो भी इंप्रूव हुए यानी एवरेज ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू पर डे पर स्टोर 451 फिफ्टी वन स्टोर है कंपनी के तो ऑन एन एवरेज एक स्टोर जो है वो पर डे नाइन लाख रुपीज़ के ऑर्डर वैल्यू प्रोसेस कर रहा है विच इज अ क्वाइट बिग नंबर कंसिडरिंग एक साल पहले ये नंबर कितना होता था फाइव लैख ट्वेंटी फोर थाउजेंड का नंबर था वो अभी लगभग नाइन लैक्स हो चुका है सो अ सिंगल ब्लिंकेड स्टोर द डार्क स्टोर दैट दे ऑपरेट वो लगभग नौ लाख रुपए का ऑर्डर वैल्यू ऑन अ ऑन अ डेली बेसिस दे आर प्रोसेसिंग राइट नाउ सो दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टैटिस्टिक बिकॉज इसी से uh, जो अगला पार्ट है इस वीडियो में जो आपको मैं बताने वाला हूँ वो इसी से इन्फ्लुएंस्ड uh, है नाउ यू विल सी कि एक Uh, दो एस्पेक्ट्स थे इनके जो प्रेजेंटेशन में विच आई फाउंड वेरी इंटरेस्टिंग जो ये जस्टिफाई करते हैं कि कैसे ब्लिंकेट ज्यादा ग्रो करते हुए जा रहा है नाउ सी कि uh, कि टाइम टेकन फॉर न्यू स्टोर्स टू रीच थाउजेंड ऑर्डर्स पर डे यानी किसी भी स्टोर को एन एवरेज थाउजेंड ऑर्डर्स पर डे पहुंचने के लिए कितने महीने लग रहे हैं इसका एक एनालिसिस उन्होंने प्रेजेंट किया तो क्यू फोर एफ आई ट्वेंटी थ्री में जो स्टोर्स ओपन हुए थे उनको अराउंड फाइव पॉइंट एट मंथ्स लग रहे थे जब तक वो थाउजेंड ऑर्डर्स पर डे प्रोसेस कर पाए जो स्टोर क्यू वन एफ आई ट्वेंटी में ओपन हुए उनको टू पॉइंट सेवन मंथ्स लगे क्यू टू में जो ओपन हुए उनको टू पॉइंट फोर मंथस जो स्टोर्स अक्टूबर ट्वेंटी थ्री में ओपन हुए उनको सिर्फ टू मंथ्स लग रहे हैं

इवन इफ यू सी दी एड रेवे जो एड रेवे है दैट इज फॉर दै ब्लिंकट प्लेटफॉर्म सो यहाँ पर भी कंपनी का जो एड रेवेन्यू है दैट इज ग्रोइंग ऑलमोस्ट टू ट्वेंटी ऑन योर बेसिस नंबर ऑफ एडवर्टाइजर्स भी यहाँ पर uh, बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं so सो इससे दो चीज़ें होंगी एक तो uh, जैसे जैसे जियो वी ऑन दिन ब्लिंकट इंक्रीजेस तो जो भी uh, जिनके भी गुड्स वो ब्लिकेट के थ्रू बेच रहे वो शायद उनको ज्यादा कमीशन पे करेंगे बिकॉज ऑब्वियसली अगर कोई मैन्युफैक्चर देखता है कि ब्लिंकेट पर उनको ज्यादा विजिबिलिटी मिलती है ज्यादा बिजनेस ब्लिंकेट से आ रहा so है सो दे माइट बी रेडी टू पे मोर कमीशन ऑब्वियसली यहां पर कॉम्पिटिशन ऑब्वियसली है जिप्टो जैसे और भी प्लेयर्स बाकी है जो ब्लिंकेट का ब्लिंकेट जैसे बिजनेस मॉडल यूज करते हैं बट यू कैन सी क्लियरली सी कि ब्लिंकेट के नंबर्स इंप्रूव होते जा रहे हैं सो दैट मीन्स दैट द मैनुफैक्चरर्स जो अपने प्रोडक्ट्स लिस्ट कर रहे हैं ब्लिंकेट पर मे बी दे पे मोर कमीशन एंड जो भी कंपनीज है जो एड्स कर रही है ब्लिंकेट पर दे विल ऑल्सो पे अ बिट मोर अमाउंट दैट इज क्वाइट क्लियर इन दर एड रेवेन्यू इंक्रीज एज वेल तो जैसे जैसे यूज ऑफ ब्लिंकेट बढ़ेगा नंबर ऑफ ऑर्डर्स बढ़ेंगे नंबर ऑफ कस्टमर्स बढ़ेंगे वैसे ही ये मैट्रिक्स भी ज्यादा इंप्रूव होते हुए नजर आते हैं सो so यही था मेनली रीजन या इस वीडियो से मैं यही आपके सामने रखना चाहता था कि कैसे इनका फूड डिलीवरी बिजनेस एंड ब्लिंकेट बिजनेस इनफैक्ट हाइपर प्योर इज ऑल्सो डूइंग क्वाइट वेल बट जो भी मेन सेगमेंट्स हैं इनके बिजनेस के दे आर कंटिन्यूसली इंप्रूविंग सिंस द लास्ट वन ईयर एंड दैट इज द मेन रीजन वाई द स्टॉक प्राइस इज ऑल्सो डूइंग वेल तो ये सारी चीज़ें हम स्टॉक प्राइस पर फैक्टर्ड होते हुए नजर आ, आ, देख सकते हैं करेंटली एक साल पहले जो फूड डिलीवरी मार्केट का सिचुएशन था दैट वॉज क्वाइट वीक इफ यू रिमेंबर स्विगी एंड जोमैटो दोनों ने ये कहा था कि Almost Q3 of के में बात कर रहा हूँ जहां पर बिजनेस वो क्वाइट वीक फॉर देम स वहाँ से एक काफी अच्छी रिकवरी इस इंडस्ट्री को फूड डिलीवरी इंडस्ट्री इन जनरल इज अंडर इज क्वाइट क्लियर इन देर नंबर्स एज वेल सो आने वाले क्वार्टर्स में विल सी दैट मोस्ट प्रोबली सी कि दियर प्रॉफिट नंबर्स विल बी इंप्रूविंग इवन मोर एंड सो दैट इज मेनली रीजन वाई द स्टॉक मार्केट इज प्राइजिंग इन दी बेटर बेटर वैल्युएशन फॉर जोमैटो एज अ होल तो मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपको काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली होगी ऑन वाई जोमैटो स्टॉक इज़ परफॉर्मिंग वेरी वेल ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए वीडियो को लाइक करना कमेंट करना एंड शेयर करना मत भूलिए हमारी वेबसाइट इन्वेस्ट डॉट इन को विजिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा बहुत अच्छे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पर हमारा मुंबई में एक ऑफलाइन सेशन भी है ऑन सिक्सटीन ऑफ मार्च सो अगर आप मुंबई में है एंड इफ़ यू कैन अटेंड दैट सेशन डू रजिस्टर फॉर इट एज़ वेल मिलते हैं अगले वीडियो में थैंक यू सो मच